एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? मैं भी बढ़िया हूँ, आई होप आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो आज गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद ऐसा सोच रहा था कि मैं एक एक्चुअली ब्लॉग बनाऊँ। बहुत टाइम हुआ ब्लॉग नहीं बनाए, तो आज हम लेग्स वर्कआउट के ऊपर ब्लॉग बनाने वाले हैं। और जो हमारा वेट गेनिंग डेज चल रहा है रनिंग, आज 35 डेज है। आज 35 डेज में हम लेग्स वर्कआउट रन करने वाले हैं अपने आप को, क्योंकि आज हमको लेग वर्कआउट किए हुए आज एक हफ्ता हो गया। क्योंकि हम वेटली एक टाइम ही आता है जो हम को सैटरडे में लेग्स वर्कआउट में जो करता हूँ। आज संडे, क्योंकि यस्टरडे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था तो मैं एक्चुअली जिम गया नहीं। आज संडे, तो संडे हम जाने वाले हैं जिम में अभी, क्योंकि हमारा जिम संडे भी चालू रहता है। तो आज हम लेग्स वर्कआउट ट्रेन करने वाले हैं। लेग्स वर्कआउट के लिए हम टोटल 6 सेट करने वाले हैं। ऊपर से वेट हैवी तो नहीं इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी हैवी वर्कआउट किया था। इस बार मैं शॉर्ट वर्कआउट में ट्राई कर रहा हूँ, और रेपिटेशन हम लोग ज़्यादा रखेंगे। और क्योंकि हमारे जो पंप है लेग्स वर्कआउट में, एकदम हैवी भी करेंगे ना बैक पेन सडनली पकड़ जाता है मेरा, तो इसीलिए मैं लाइट वेट ही मारने की कोशिश करूँगा। और जितना भी मैं एक्सरसाइज करूँगा, जितना भी रेपिटेशन बढ़ाऊँगा, तो पंप मेरे को उतना ही बेनिफिट मिले। और आज टाइम हो गया है 7 o'clock। एक्चुअली मुझे जाना था 6 o'clock, तो टाइमिंग संडे है तो मेरे को ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो काम बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछली बार मैं एक्चुअली वीडियो बनाने वाला था। पुराना रूम और ऑफिस था, वहाँ से हम लोग शिफ्ट हो गए। ऑफिस एक दूसरा जगह शिफ्ट हो गए, तो हमारा रूम थोड़ा वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर के आसपास में। और ये एक्चुअली नया रूम दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल है, थोड़ा दूर है जिम भी, तो चलेगा कोई नहीं। हमारे पास ऑफिस से एक गाड़ी दिया था, उससे मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। और जो मेरा कार्डियो के लिए है वो मैं कर रहा हूँ, पर मेरा क्या हो रहा है, टाइमिंग नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से मुझे वो चीज़ स्टॉप करना पड़ा है अभी के लिए। नेक्स्ट मंथ से मैं ट्राई करूँगा कि जल्द जितना भी हो सके मुझे कार्डियो करना ही है। और डाइटिंग के ऊपर बात बताऊँ तो मैं डाइट टाइमिंग की वजह से प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। और जो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नया नया है, अभी शिफ्ट किया तो थोड़ा बहुत वीकनेस चलता ही। जो हमारा कोई भी प्रोसेसर हम लोग चालू करते हैं, और पिछली बार मैंने पिछले 4 दिनों में योगा और ऐप्स वर्कआउट का प्रोसेसर चालू किया है, तो योगा मैं करता रहता हूँ। वीडियो डालूँ या नहीं डालूँ, क्योंकि मुझे ना वो चीज़ में आदत हो गया है कि मुझे हाँ ये करना ही है, कैसे भी करके आगे बढ़ना ही है। अगर मैं उस चीज़ को गैप करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे चला जाऊँगा। मैं ये चीज़ सोचता हूँ, अपने आप को पुश करता हूँ और मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कभी भी। योगा से क्या होता है बताए, अगर सुबह आप जल्दी उठते हो तो आपका जो माइंड है, जो टाइमिंग है, वो एकदम फ्रेश में मिलता है। क्योंकि अगर आपका जो अगर दिमाग में कोई चीज़ बिठा के रखना है, हाँ मुझे ये अभी सुबह उठ के करना है ना, वो चीज़ में आप बिज़ी हो जाओगे, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा। अगर आप एक ही चीज़ में हाँ मुझे यही करना है करके अगर फोकस करोगे ना, उस चीज़ में आपको ज़रूर ज़रूर बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ चलो, अभी जाते हैं जिम, टाइम भी हो गया है, 7:10 हो गया है, तो मैं 10 मिनट्स में ऑलरेडी पहुँच जाऊँगा जिम पर। आज लेग्स वर्कआउट पर ट्रेन करने वाले 6 सेट्स, ये चीज़ हमें माइंड में रखेंगे। Check the mic and make sure it sound right, boys. Backpack भी हो गया, तो निकलते हैं जिम के लिए। जो एरिया है मेरा ऐसा एरिया है यहाँ पे। कंपनी से जो गाड़ी दिया था ये गाड़ी है। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर ये चीज़ हाथ में नहीं हो रहा मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये जो मस्त कोचिंग वीडियोस बनाते हुए नेक्स्ट वर्कआउट के लिए मैं आउटफिट में ये
शॉर्ट स्पेल का, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट स्पेल के लेवल पर करूँ तो मेरे मसल्स मुझे प्रॉपरली दिखेंगे और मेरा फोकस उस पर ही रहेगा। मैं देखता हूँ पहनता हूँ फूल उसको कवर रहता है तो उसको मालूम नहीं पड़ता कौन सा हमको कौन सा पड़ रहा है स्क्रीन में आउटशॉट पहनता हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है। अभी जस्ट फ्रेश होते क्योंकि मुझ पर पानी तो मिलाना ही पड़ता है, क्योंकि वो तो पहले के टाइम में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जस्ट शो के आया है, ऐसा होना चाहिए कि हाँ फ्रेश है। अपने आप को मोटिवेट करें, लेकिन फ्रेश होना जरूरी होता है। अभी वर्कआउट करते हैं फर्स्ट लेग वर्कआउट के लिए वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। वार्म अप के दो सेट करेंगे, एक सीट अप्स हो गए और बॉडी वार्म अप। वार्मअप हो गए, अभी बारबल स्क्वाट के तीन सेट करेंगे और मशीन में करेंगे, इस बार रॉड में नहीं बारबल स्क्वाट के मशीन में तीन सेट करेंगे और वेट कम ही डालेंगे। फिर लेग्स वर्कआउट में ना अगर मैं रैपिड से ज़्यादा बढ़ाऊँगा देखते पंप कितना तक आता है। आज एक्साइटेड हूँ बट लेग्स वर्कआउट के दिन अलग डाउन हो जाती है अपनी। अगर हम वर्कआउट के हिसाब से करते हैं तो वो लेग्स वर्कआउट में अपने से ज़्यादा हैवी रेप्स कभी मत करना, क्योंकि जितना हमारा बॉडी जो डिजर्व करता है वेट उतना ही करना। अगर आप हैवी करोगे जो उसके चक्कर में तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी वर्कआउट लेग्स चेस्ट शोल्डर कोई भी वर्कआउट करो तो अपने हिसाब से जितना आपके पास हो सकता है बैलेंस उतना ही वर्कआउट करना। मैं भी उतना ही करता हूँ, कभी कभी एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत ज़्यादा। और मेन क्या पॉइंट होता है कि अपने जो तो बैलेंस है उसको बनाए रखना। लेग प्रेस के लिए हम टोटल तीन सेट करने वाले हैं और रेपिटेशन
जितना हो सकता है उतना, और वेट हैवी नहीं, कम ही करेंगे। और मैंने अभी डाला है, एक सेट कर लिया है अभी, सेकेंड सेट में वन सेट 50 डाला है अभी, देखते 12 तो करेंगे कैसे भी करके रिपीटेशन, और इसके बाद एक सेट, उसके बाद टोटल 6 सेट करने वाले हैं ये लेग्स के लिए, अपर 4, काप्स के लिए 2 सेट करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। और मुझे लेट भी हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा ऑफिस के लिए। अगर मैं किसी चीज़ में खुश होता हूँ तो मेरा फर्स्ट है वर्कआउट। क्या सोचता होता है, मेरा किस दिन कौन सा वर्कआउट मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है वो कब आएगा, जैसे हो गया आर्म्स वर्कआउट और प्लस चेस्ट और लेग्स हो गया, ये चीज़ मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट। बट ये चीज़ ग्रो उतना नहीं हो पा रहा है, फिर भी डाइट, स्लीपिंग, मेंटेनेंस अपने आप को, और जो प्रॉपर देसी डिसिप्लिन है वो रखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा भी नहीं मैं हर रूल फॉलो करता हूँ, बट क्या होता है, लाइफ है, ह्यूमन बॉडी है, कभी कभी चेंजेस हो ही जाता है। कितना भी अपन छोटे समय रहो, एक ही चीज़ में फोकस कितना भी बना रहो, पर उस चीज़ में ना कभी कभी हो जाता है अप डाउन, तो हैंड है, कभी इश्यू होता है, कभी प्रॉब्लम है, कभी बाहर जाते हो तो आपको टाइम नहीं मिलता है। अगर आप रनिंग प्रोसेस में हो और कोई भी आपका जो गोल है, जो लाइन है, उसमें जा रहे हो, तो आपको हर चीज़ से जूझना पड़ेगा, हर चीज़ से आपको लड़ना पड़ेगा। कोई भी अगर आपको वो चीज़ पाना है तो हर चीज़ में आपको तैयार होना पड़ेगा। हाँ, मैं इस चीज़ को ना बैकअप कर सकता हूँ और स्किप भी कर सकता हूँ, और मुझे वो चाहिए, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, ये चीज़ कभी नहीं छोड़ना। मेरे पास भी सेम चीज़ होता है, अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर भाग रहा हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आके ऐसा खड़ा होता है, तो मैं उसको सॉल्यूशन करके आगे बढ़ता हूँ। ऐसा ही नहीं कि उसको इग्नोर भी करता हूँ, बट उसको सॉल्यूशन करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब आज वर्कआउट करने में मज़ा तो आ रहा है, बट लेट भी हो रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑफिस भी जाना है। अगर आप काम भी कर रहे हो, साथ में वर्कआउट कर रहे हो, साथ में सब कुछ कर रहे हो, तो आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बट वो स्ट्रगल अगर आपको समझ में आ जाए तो उस चीज़ में ना बाद में जाके ना बहुत आपको वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेट मिल सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग को ऐसे देखा जो अपने आपको ना बहुत डाउन से लेके अब तक बनाए, और वो चीज़ स्ट्रगल से होता है। अगर आप कोई भी स्ट्रगल पकड़ के चलो, स्ट्रगल करो, तो हमेशा आपको सफलता मिलने की चांसेस रहता ही है। लेग प्रेस के 3 सेट भी हो गए, लेग कर्ल के 3 सेट करके, लेग्स एक्सटेंशन के 3 सेट करेंगे, उसके बाद काप्स का वर्कआउट करके घर जाएंगे। तो फर्स्ट हम ये 4 सेट कर लेते हैं फर्स्ट फटाफट, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। तो अभी लेग कर्ल के 3 सेट करेंगे फर्स्ट, चलो।
और पर लेग्स के हो गए, अभी दो सेट बाकी है काप्स के लिए। एक स्टैंडिंग कॉल काप्स के 3 सेट, एक सीटेड कॉल काप्स 3 सेट करके आज कॉल कॉड करके ख़त्म करेंगे। और एनर्जी ऐसा हो गया ना, चला गया। तो फर्स्ट काप मशीन से चेक करेंगे स्टैंडिंग। मेरे जो सॉक्स है वो एक्चुअली फट गए थे, मुझे पता ही नहीं चला। दूसरा वाला लेके आया हूँ, सोचा था जो मैंने फटेला मोजा है सॉक्स से वो लेके आ गया। अभी इसमें ओवरकोट करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ से ना मेरा दोनों फिंगर दिख रहे। चलेगा सॉक्स जैसे भी हो, अपने को क्या है ओवरकोट कर रहे हैं, सॉक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ऐसा लग रहा है सांस ऐसा फूल रहा है ना, ऑक्सीजन कम हो गया है। एक तो एसी भी चालू है बट ठंडा नहीं हो रहा है मेरे ऑफिस की तरह ही। काप्स के साथ ही आज का वर्कआउट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो जाते हैं अभी घर, मैं घुस गया ऑफिस के लिए, लेट भी हो गया और ब्रेकफास्ट बनाने फर्स्ट मील। मज़ा आया जो कुछ भी हो आज का वर्कआउट करने में। लेग्स वर्कआउट परफेक्ट रहा संडे, लेग्स वर्कआउट बेस्ट है। यहाँ संडे में ठंडा पानी लेके जाऊँगा क्योंकि मेरे घर में तो फ्रिज है ही नहीं। इसके लिए मैं यहाँ से ठंडा पानी लेके मेरे बॉटल में ठंडा होता रहता है। तो घर पर जाके मैं इसमें प्रोटीन मिक्स कर सकता हूँ। मिल्क लेता था, मिल्क से ना मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है खाना, इसके लिए मैं अभी वाटर यूज़ कर रहा हूँ। मैं डेली जिसमें बॉडी वेट चेक करता हूँ ये मशीन है, और आज का बॉडी वेट है 73.3। बट 73 तो मैं पहुँचा हूँ कैसे भी करके, टोटल फैट बॉडी वेट के हिसाब से। अभी बनाएंगे हम घर पर फर्स्ट मील में एक ऑमलेट जो होगा भुर्जी वाला, क्योंकि फर्स्ट मील तो खाना चाहिए, भूख लग रहा है। और मैंने रात में ये भी भिगाया था चना और सिंगदाना, और हम डालने वाले 4 अंडे इसमें ऑमलेट में। हम इसमें मिक्स करने वाले 1 स्कूप प्रोटीन, इसको मैंने पैकेट में मंगाया था, तो इसमें पैकेट में अभी तक पूरा ख़त्म तो नहीं हुआ है। और ये बॉटल है मसल प्लेस का, तो हम इसमें ही डालेंगे 1 स्कूप प्रोटीन। और इसको रखते हैं यहाँ पे, काम हो गया है। और प्लस जो मैंने ये वहाँ से जिम से ठंडा वाटर उठाया था, कोल्ड वाटर, तो इसमें हम लोग मिक्स करेंगे। और ये और थोड़ा फर्स्ट मील खाते हम जाएंगे ऑफिस, तो शाम को देखते अगर कार्डियो कर पाते तो आज जाएंगे। फर्स्ट मील में ओट्स ऑमलेट प्लस प्रोटीन,
ये चीज़ खा के जाने वाला हूँ मैं ऑफिस, तो आज का ब्रेकफास्ट भी